हेलो दोस्तों, आज अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अपने को ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक बड़ा स्क्वायर है जिसको चार स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। हर साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अपने को इनपुट टर्मिनल ए और आउटपुट टर्मिनल बी के बीच सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर अपन ए और बी को इनपुट और आउटपुट टर्मिनल माने तो इस सर्किट में कोई सिमेट्री अपने को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से अपन आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्किट वन में ए और बी के अलावा मैं टर्मिनल सी भी कंसिडर कर रहा हूँ। टर्मिनल सी को मैंने इस तरह से चूज़ किया है ताकि बी और सी ए के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकली लोकेटेड हों। यानी अपन ये कह सकते हैं ए और बी के बीच जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ए और सी के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी। अब मैं ए से आई करंट एंटर करा देता हूँ और बाकी दोनों जो टर्मिनल हैं बी और सी, उनसे आई बाई टू करंट एग्जिट करा देता हूँ। नेक्स्ट अपन सेम सर्किट में टर्मिनल सी से आई बाई टू करंट एंटर कराएंगे और टर्मिनल बी से आई बाई टू करंट एग्जिट कराएंगे। अब इन दोनों सर्किट्स को अपन सुपरपोज करेंगे। सुपरपोजिशन से अपने को ये सर्किट मिलेगा। सुपरपोज सर्किट में सी पर तो कोई करंट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट एग्जिट हो रही थी और यहाँ पे सेम करंट इंटर हो रही है, तो यहाँ पर नेट करंट हो जाएगी ज़ीरो। टर्मिनल ए से आई करंट इंटर होगी, जबकि टर्मिनल बी पे अगर देखें तो पहले सर्किट में आई बाई टू करंट एग्जिट हो रही थी, दूसरे सर्किट में भी सेम करंट एग्जिट हो रही है आई बाई टू। तो सुपरपोज सर्किट में टोटल करंट हो जाएगी आई बाई टू प्लस आई बाई टू, यानी आई, यानी बी से आई करंट एग्जिट होगी। ऐसा करने से अपने को क्या फ़ायदा हुआ? चूंकि इंडिविजुअल सर्किट्स यानी सर्किट वन और सर्किट टू के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, इन दोनों ही सर्किट्स में अपन आसानी से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अगर सर्किट वन और टू में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अपने को सुपरपोज सर्किट में भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एक बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अपन ये लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी ए बी डिवाइडेड बाई सप्लाई करंट आई। तो सबसे पहले अपन सर्किट वन के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सर्किट वन में पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर अपन इस सर्किट को इस एक्सिस के अबाउट, जिसको मैंने रेड कलर से एक डॉटेड लाइन से शो किया है, इस एक्सिस के अबाउट अपन सर्किट को अगर फोल्ड करें तो ओवरलैपिंग ब्रांचेस में रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आएगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपन ये देखेंगे इधर से जो आई करंट आ रही है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, आई बाई टू आई बाई टू। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अपर हाफ से ये आई बाई टू करंट फ्लो करेगी और लोअर हाफ से ये आई बाई टू करंट फ्लो करेगी। दोनों हाफ के बीच में करंट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो अपन इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो नोड लाई कर रहा है उसको अपन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इधर से जो करंट आ रही होगी वो सीधी इस ब्रांच में निकल जा रही है, कोई करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली इधर से जो करंट आएगी वो इधर की ओर निकल जाएगी, तो अपन इस नोड को ओपन कर देते हैं।
यहाँ पे इस नोड को अपन ओपन करेंगे, इस टाइप से कर देते हैं। इसी तरह से इधर से करंट सीधी इस ब्रांच में निकल जाएगी और बीच का जो पार्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस पार्ट को अपन हटा देते हैं सर्किट से। ये सर्किट अपने पास हो गया है। अब इधर से अपन I/2 करंट सेंड करेंगे और इधर भी I/2 करंट अपन सेंड कर रहे हैं। अब करंट को ये दो पैरेलल पाथ मिल रहे हैं। इस पाथ में टोटल रेजिस्टेंस है 2R और इस पाथ में भी टोटल रेजिस्टेंस है 2R। तो यहाँ पे करंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I/4 I/4। तो इस ब्रांच में करंट होगी I/4 और इसमें भी करंट जाएगी I/4 और इधर भी करंट होगी I/4। तो सर्किट वन के अंदर अपन ने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब अपन सर्किट टू के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सर्किट टू में जो सिमेट्री प्रेजेंट है उसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको अगेन मैं एक रेड डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। अगर अपन इस एक्सिस के अबाउट सर्किट को फोल्ड करें तो ओवरलैपिंग ब्रांचेस में रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आएगा। ये एक्सिस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर लोकेटेड है तो इसको अपन कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक रूल ये होता है कि ओवरलैपिंग ब्रांचेस में करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यानी अगर मैं ये मानूँ कि इधर करंट जारी है I1, तो इस ओवरलैपिंग ब्रांच में भी करंट है I1। अगर इधर करंट जारी है I2, तो इधर करंट जारी होगी I2, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस ओवरलैप करेंगे। इसी तरह से अगर अपन ये माने कि इधर करंट जारी है I3, तो इधर भी करंट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी I3। अब देखिए, चूंकि इस नोड पे करंट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, इधर से I2 करंट आ रही है और इधर निकल जा रही है, इसी तरह से इधर से जो करंट आएगी वो इधर की ओर मूव कर जाएगी। इसका मतलब अपन इस नोड को ओपन कर सकते हैं। यानी इधर वाली जो करंट है वो तो इधर की ओर जा रही होगी और इधर वाली जो करंट है वो इस ब्रांच में निकल जा रही होगी। तो अपन इस बीच वाले पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। अगेन अपन ये भी देखेंगे कि इधर जो I/3 करंट आएगी, ये I/3 करंट भी यहाँ पर आकर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इसमें जाएगी I3/2 और इसमें जाएगी I3/2। अब मैं I1, I2 और I3 को I की टर्म्स में पता कर लेता हूँ। कैसे पता करेंगे? उसके लिए अपन पहले ये लूप ले लेते हैं, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देते हैं। इसको अपन लूप वन बोल देते हैं। लूप वन में KVL अप्लाई करेंगे तो अपन ये कह सकते हैं, अगर मैं इस लूप को एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करूं तो इस ब्रांच पे ड्रॉप होगा I2 × R, फिर इस पे भी ड्रॉप होगा I2 × R। यहाँ पे इधर जा रहे हैं तो राइज होगा I1R और फिर फर्दर राइज होगा I1R। मैं राइज को पॉजिटिव लूँगा, ड्रॉप को नेगेटिव लूँगा, तो किरचॉफ वोल्टेज लो से ही आ जाएगा −2I2R + 2I1R ≤ 0 और यहाँ से ही आ जाएगा I1 = I2।
एक रिलेशन तो ये मिल गया अपने को। एक अपन इस लूप को ट्रेवर्स कर लेते हैं, ये वाला जो लूप है इसको मैं ट्रेवर्स करूँगा, इस लूप को ट्रेवर्स कर लेते हैं। इस लूप को अपन बोल देते हैं लूप टू। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस लूप को ट्रेवर्स करना है। तो लूप टू पे भी केवीएल अप्लाई करते हैं। जब लूप टू पे केवीएल अप्लाई करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होगा I3R, फिर I3R ड्रॉप होगा, फिर I3/2 × R, फिर I3/2 × R, फिर I3R और फिर I3R। यहाँ तक जो टोटल ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा 5I3R। ड्रॉप को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो -5I3R। फिर जब अपन यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, तो राइज होगा I2R और फिर फर्दर राइज होगा I2R। इसका मतलब राइज हो गया 2I2R। इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो I2 और I3 में भी रिलेशन आ जाएगा। ये आएगा I2 इज इक्वल टू 5I3/2। और एक अपने को ये पता है कि जो सप्लाई करंट है I/2 वो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो किरचॉफ करंट लॉ से इसकी वैल्यू बराबर होगी I1 + I2 + I3 के। तो अपन इन तीनों का सम ये लिख सकते हैं, I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू I/2। अब इस इक्वेशन में मैं I1 को I2 से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2I2 + I3 इज इक्वल टू I/2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। 2 और 3 की हेल्प से अपन I2 और I3 को I की टर्म्स में पता कर लेते हैं। इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि I2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 5I3 + I3 इज इक्वल टू I/2। यानी I3 की वैल्यू आएगी I/12। सिमिलरली अपन इक्वेशन 2 का यूज़ करके I2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। I2 आ जाएगा 5I3/2 यानी 5I/24। और अपने को पता है I2 की वैल्यू I1 के बराबर है। तो इस तरह से अपने को सभी करंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन सर्किट 2 के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, क्योंकि अपने को I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं सर्किट 2 यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सर्किट 2 था, इधर अपन ने करंट लिया था I1। I1 की वैल्यू अपने पास आई है 5I/24। I2 की वैल्यू भी सेम थी 5I/24। I3 की वैल्यू आई है I/12। अब ये I/12 भी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इधर फ्लो करेगी I/24 और इस ब्रांच से होके जाएगी I/24। यहाँ पर अगेन करंट हो जाएगी I/12। तो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब अपन दोनों सर्किट्स को सुपरपोज कराते हैं ताकि जो सुपरपोज सर्किट है उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर पाए। अब अपन सुपरपोज सर्किट में करंट डिसाइड करते हैं। सर्किट 1 में
इस ब्रांच में करंट है I/2 और सर्किट 2 की इस ब्रांच में करंट है I/24। जब सुपरपोज करेंगे तो सुपरपोज सर्किट की इस ब्रांच में करंट हो जाएगी I/2 प्लस I/24। सिमिलरली नेक्स्ट वाली ये जो ब्रांच है इसमें करंट होगी I/4 प्लस I/12। और इस ब्रांच में तो सेम करंट रहनी है, तो अपन अब VAB पता कर लेते हैं। A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रॉप हो जाएगा, पहले इस ब्रांच पे ड्रॉप निकाल लेते हैं, करंट इनटू स्मॉल r, ये ड्रॉप हो गया, तो ये आ जाएगा I/2 प्लस I/24 इनटू r। फिर नेक्स्ट अपन इन दो ब्रांचेस पे ड्रॉप निकालते हैं, इनका टोटल रेजिस्टेंस है 2R और इनमें जो करंट फ्लो कर रही है वो है I/4 प्लस I/12 इंटू 2R। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 24 LCM आ जाएगा, ये आएगा 13 IR। और सेकेंड टर्म जो है इसमें अपन 12 को LCM ले लेते हैं, तो ये आएगा 3+1 यानी 4 यानी 8 IR। और इसको अगर 24 LCM लें तो ये लिख सकते हैं 24, यहाँ पे तो आएगा 13, यहाँ पे आएगा 16 IR। यानी VAB की वैल्यू अपने पास आ गई, VAB इज इक्वल टू 29/24 IR। यानी RAB को अपन ये लिख सकते हैं, RAB इज इक्वल टू VAB अपॉन I। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B ये अपने पास आ जाएगा 29/24 R। ये अपना आंसर होगा।